हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गोल्डन टोन का इफेक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। पीछे के जो बैकग्राउंड में है, तो आप देख सकते हो एक मॉडल का फोटो है, मैंने लाइट रूम ऐप में इंसर्ट कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लाइट जो एडजस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कॉन्ट्रास्ट को मैंने माइनस साइड में रखा, हाईलाइट को भी मैंने माइनस के साइड में कर लिया है दोस्तों। शेडो को इंक्रीज़ किया प्लस के साइड में, आप देख सकते हैं किस तरीके से करना है। तो शेडो को हम लोग प्लस के साइड में इंक्रीज़ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, माइनर सा कर लेने वाले हम दोस्तों। तो आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग कर लेना, और वाइट को कम कर लेंगे, और जो ब्लैक्स है दोस्तों तो उसको भी हम लोग माइनस साइड में कर लेंगे। सॉरी, ब्लैक्स नहीं है, बैक्स है, तो उसको हम लोग माइनस साइड में इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद आते हैं कलर टोन में। कलर टोन में आने के बाद दोस्तों, हम शुरू के तीन कलर को छोड़ने के बाद सबसे पहले हम क्या करना है, हमें ग्रीन टोन पर आना है। ग्रीन टोन में आने के बाद उसका ह्यू को हम लोग डाउन कर लेंगे माइनस के साइड में, आप देख सकते हो। तो माइनस साइड में कर लेंगे हम उसको, और उसको सैचुरेशन को प्लस साइड में इंक्रीज कर लेंगे। ओके दोस्तों, इतना कर लेना है। उसके बाद आ जाना है हमें येलो टोन पे। येलो टोन का ह्यू भी माइनस साइड में कर लेना है, और सैचुरेशन को प्लस साइड में कर लेना है। इसी तरीके से हमें एक्वा कलर में आना है। तो एक्वा कलर में हमें क्या करना है, उसका भी ह्यू हम प्लस के साइड में माइनस साइड में इंक्रीज करेंगे, और जो सैचुरेशन है उसको भी हम प्लस साइड में इंक्रीज कर लेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने किया है उसी तरीके से आपको करना है तो अपने फोटो में। और उसके बाद हम आते हैं ब्लू टोन पे। तो देख सकते हो ब्लू टोन का जो ह्यू है उसको हम माइनस साइड में कर लेंगे, और जो सैचुरेशन है उसको भी हम माइनस साइड में कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमें कर लेना है। उसके बाद लास्ट बचे दो कलर जो दोस्तों, उसको भी हम लोग उसका जो सैचुरेशन है उसको हम लोग जीरो कर लेंगे, माइनस साइड में कर लेंगे। तो वो उसका जो इफेक्ट होगा वो कलर पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हो किस तरीके से करना है। उसके बाद आ जाते हैं ऑरेंज टोन पे, जो कि स्किनी कलर है। तो उसको हम क्या करें, लुमिनेंस हल्का इंक्रीज कर देंगे, लुमिनेंस इंक्रीज कर लेना है। और ह्यू में आप बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, मैंने बहुत माइनर सा कर रखा है। उसके बाद आते हैं ऑरेंज टोन में, सॉरी रेड कलर में। तो रेड कलर का जो सैचुरेशन है हमको इंक्रीज कर लेना है, और थोड़ा सा लुमिनेंस को बढ़ा के हमको डन कर लेना। उसके बाद आते हैं कलर टोन के होम पेज पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आफ्टर बिफोर करके मैंने दिखा दिया। उसके बाद हम लोग सैचुरेशन को सेट करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो सैचुरेशन को मैंने माइनस के साइड में रखा हल्का सा, तो आप देख सकते हो, सॉरी प्लस के साइड रखा, 5 रखा, और वाइब्रेंस को हल्का सा डाउन कर लिया है मैंने, और टेंट को भी हल्का सा हमने इंक्रीज किया हुआ माइनस साइड में। तो आप देख सकते हो, और टेम्परेचर को आपको अगर ज़रूरत रहेगी तो करना, ज़रूरत नहीं है वैसे तो मत करके दोस्तों, क्योंकि उसमें वो ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं कलर ग्रेडिंग पे। कलर ग्रेडिंग में क्या करना है, हमें सबसे पहले शेडो का जो लुमिनेंस है उसको हम इंक्रीज़ कर लेंगे ब्लू टोन की तरफ, और इस सैचुरेशन को सेट करेंगे कुछ इस तरीके ताकि उसमें हल्का सा ब्लू स्टोन आ जाए। तो देख सकते हो आप किस तरीके से करना है। उसके बाद इसको कर लेंगे डन दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम लोग विग्नेट टूल पे। तो देख सकते हो विग्नेट टूल पे आना हमें। तो विग्नेट टूल पे आने के बाद हम हल्का से क्लैरिटी को इंक्रीज़ कर देंगे, बहुत माइनर से क्लैरिटी को इंक्रीज़ करेंगे, और जो डिहेज है उसको, सॉरी विग्नेट है उसको माइनस साइड में करेंगे हम दोस्तों। देख सकते हो आप किस तरीके से, ऑलमोस्ट वही प्रोसेस है दोस्तों जो लगभग हम जो जिस फोटो में करते हैं, जिसमें बस कलर ग्रेडिंग करने के लिए कुछ अलग अलग कलर में अलग अलग टिप्स हमें करने होते हैं। तो आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग शार्प टूल में आते हैं। शार्प टूल में आने के बाद शार्पनिंग को इंक्रीज़ कर लेना, और उसके बाद मास्किंग को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, और इंक्रीज़ करने के बाद उसको टू फिंगर मास्किंग कर लेंगे ताकि फोटो और बैकग्राउंड के जो एजेस है वो शार्प हो जाए, और उस पर एक अच्छी से लाइट इफेक्ट आ जाए दोस्तों। तो इतना कर लेना आपको। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन को बढ़ाना है, कलर नोटिफिकेशन को भी बढ़ाना है, और डिटेलिंग को बढ़ा लेना हमें दोस्तों। तो डिटेलिंग को हम बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम आते हैं सीधे कहाँ पे दोस्तों, प्रोफाइल्स पे। देख सकते हो प्रोफाइल पे आने के बाद हमें आर्टिस्टिक 03 को सेलेक्ट करना है। आर्टिस्टिक 03 करने के बाद उसका जो वैल्यू है हम लोग कम करेंगे हल्का सा, तकरीबन 77 के करीब रखेंगे। तो आप देख सकते हो किस तरीके से रखना है हमें। तो 77 के करीब आप उसको रख लीजिएगा दोस्तों। उसको कर देंगे इस पर डन, डन कर लेना है दोस्तों। और आफ्टर बिफोर करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से फोटो हो गया है, पहले ग्रीन टोन कैसा था और अभी किस तरीके से फोटो था। आप देख सकते हो क्या बेहतरीन लगने लगी दोस्तों। और अब आते हैं सेलेक्टिव टूल पे। तो सेलेक्टिव टूल पे आना है हमें, और जो ओवल वाला ऑप्शन है, जो सर्कल वाला, उसको सेलेक्ट करके इस तरीके से कुछ हमें ड्रॉ कर लेना है इस फोटो पे, और उसको प्रेस एंड होल्ड करके इन्वर्ट कर लेना है। तो अब मैं बता देता हूँ बीच वाले जो, हाँ यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है, इन्वर्ट ग्रेडियंट करना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जाके हमें क्या कर लेना है, जो एक्सपोजर है उसको हल्का सा डाउन कर लेंगे माइनस के साइड में, तो देख सकते हो आप। और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट वगैरह हल्का सा सेट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से जैसा मैंने इसमें सेट किया उसी तरीके से आपको भी करना है। माइनस को कर लेंगे हाईलाइट को, और वाइट को भी हल्का सा माइनस साइड में कर लेंगे। आप देख सकते हो इसको कर लेंगे डन। डन करने के बाद दोस्तों आप आफ्टर बिफोर करके भी देख सकते हैं फोटो को। फिर से हम एक बार सेलेक्टिव टूल में जाएंगे, सेलेक्टिव टूल में जाना है हमें। तो और फिर से हम एक बार ओवल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो ओवल वाला ऑप्शन लेने के बाद हल्का सा फेस पे हम लोग क्रिएट करेंगे उस चीज़ को, कि फेस पे हल्की सी लाइट आ जाए जो मतलब थोड़ी अच्छी लगने लगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, आप देख सकते हो, माफ़ करना, ब्रश टूल मैंने लिया है। तो ब्रश टूल को क्या करना है, पीछे जो बैकग्राउंड है उसको हमें इस तरीके से कुछ पेंट कर लेना है।
तो पेंट कर लेने के बाद जो वाइट वाला एरिया है उसको हल्का सा पेंट कर लेंगे, और इसमें जो लाइट पे जाके हम उसको थोड़ा सा और जो उसकी ब्राइटनेस है उसको बढ़ाएंगे बैकग्राउंड में। तो दोस्तों आपको देख लेना, कुछ अच्छे से पेंट करना है, क्योंकि ये वाला जो टूल होता है थोड़ा सा फंसता है चलाने में, तो आपको आराम आराम से करना है, क्योंकि आपको वीडियो नहीं बनानी है दोस्तों, तो आपको अपने फोटो में बहुत आराम आराम से करना है। उसके बाद इसे जाके हम हल्का सा हाईलाइट और एक्सपोजर को बढ़ा लेंगे आप, तो जो कि पीछे का जो एरिया है वो थोड़ा वाइट हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से कर लेना है दोस्तों, फोटो देख सकते हो आप। तो मैंने जैसा कि मैंने एक्सपोजर हल्का से बढ़ा लिया है, देख सकते हैं आप, तो जैसा कि फोटो में हल्का सा वाइटनेस चाहिए था तो वाइट हो चुका है, और शेडो को भी हमने हल्का सा बढ़ा के कर लिया। तो उसके बाद उसको कर लेंगे डन। डन कर लेना है, हमें विग्नो टूल में जाके क्लियरिटी को हल्का सा डाउन कर देंगे तो जो पीछे का बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, अच्छा दिखने लगेगा। हालांकि वो ब्लरी है, हमने थोड़ा सा कर लिया उसमें, तो आप देख सकते हो इस तरीके से कर लेना है और फोटो काफ़ी बेहतरीन लगने लगी दोस्तों। तो ओवल वाला जो ऑप्शन मैंने पहले बताया था वो मैंने अभी बाद में करना, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर करना है, और हल्का सा इसका हाईलाइट को बढ़ा देना है। आप देख सकते हो बिल्कुल हाईलाइट को बढ़ा लेना है हमें, और शेडो को अभी आप सेट कर सकते हैं हल्का सा। तो मैंने साइड मैंने जैसा कि सेट कर दिया है। बस दोस्तों इस फोटो में इतना ही था, इसको हम कर लेंगे सेव। यहाँ से सेव करने के बाद मैं इसको इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट करूँगा दोस्तों। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।